NTA UGC NET and ImageNet. हेलो नमस्ते दोस्तों भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सभी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम रिसर्च एथिक्स, रिसर्च वर्कशॉप वगैरह के बारे में क्वेश्चन देखने वाले हैं कि इनमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और हम ये देखने वाले हैं कि 2012 से लेके 2019 तक इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से हमें उनको अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, जो दोस्त ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, टॉपिक रिपीट नहीं होता, तो उन सभी को मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जून 2012 का क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 54, शोध नैतिकता का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जून 2012 में हमने देखा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये दिसंबर 2019 में जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा 5 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं, शोध में नैतिक सिद्धांत, यानी कि शोध नैतिकता, रिसर्च इथिक्स से ये क्वेश्चन आया है। तो आप देख सकते हैं कि 2012 में भी क्वेश्चन आया है और 2019 में भी आया है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि डिटो कॉपी तो नहीं है ये, लेकिन वो टॉपिक तो हमारा रिपीट हुआ है ना। और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है जिसके अंदर आपको मैंने ये भी दिखाया कि डिट्टो कॉपी क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं विद डेफिनेशन और ऑप्शन, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं आगे की वीडियोस में। तो आज हम ये देखेंगे कि रिसर्च इथिक्स में, रिसर्च वर्कशॉप में, सेमिनार में किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आपको ये पता चल सके कि रिसर्च के अंदर ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च इथिक्स पे ही। देखिए रिसर्च इथिक्स के हमने क्वेश्चन किए थे, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च इथिक्स की। रिसर्च इथिक्स के बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है, पीछे आप वो देख सकते हैं, उसके अंदर हमने आपको पूरा थ्योरेटिकल बताया रिसर्च इथिक्स क्या होता है और जो रिसर्च इथिक्स है कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखना, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप रिसर्च की जो प्लेलिस्ट है वो सर्च कर लेना, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले ये जून 2012 में क्वेश्चन आया था, इसके अंदर इन्होंने कहा है कि शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती, जो रिसर्च इथिक्स है शोध नैतिकता है वो किसे शामिल नहीं करती। तो इसका आंसर यहाँ पर इन्होंने दिया है व्यक्तिपरकता, यानी कि इसके अंदर क्या है कि अपनी पर्सनल चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए। जब भी हम रिसर्च करते हैं और जब भी हम कोई क्वेश्चनियर तैयार करते हैं तो उसके अंदर अपनी इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मान लो रिस्पोंडर रिस्पॉन्स दे रहा है, कोई हम उनके साथ क्वेश्चन पूछते हैं और वो आंसर दे रहा है, तो हमें अपनी राय उसके साथ नहीं मिलानी चाहिए, वो जो कह रहा है उसी को हमें सुनना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो हम सैम्पलिंग इकट्ठा कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा ना हो कि जो हम 10 लोग जानते पहचानते जो अपने पर्सनल लोग हैं उन्हीं को इकट्ठा कर लें, नहीं, सैम्पल जो हमने डिसाइड किया है अपनी रिसर्च के लिए वही होना चाहिए, उसके अंदर अपनी पर्सनल चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर व्यक्तिपरकता जो है वो शामिल नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए। ये देखिए, ये हमारा सम्मेलन का है, सम्मेलन का भी हम करेंगे। सबसे पहले हम रिसर्च इथिक्स से ही क्वेश्चन करते हैं ताकि एक टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन जो है ना, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो टॉपिक है वो रिपीट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि बीच में जैसे 2 साल रिपीट नहीं होंगे तो तीसरी साल रिपीट हो जाएंगे।
तो इस तरह से ये होता है कि ऐसा भी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन रिपीट होते, नहीं, बीच में 1-2 साल मिसिंग हो जाते हैं, लेकिन रिपीट होने की संभावना बहुत बनती है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ, दिसंबर 2015 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते, यानी कि इसमें कहा है कि जो रिसर्च इथिक्स है वो किसके अंदर शामिल नहीं होती, वो इन्होंने पूछा हुआ है। अब देखिए रिसर्च इथिक्स किस में शामिल नहीं होती वो हमें बताना है। इसमें ऑप्शन दिया है शोध प्रारूप, यानी कि शोध हमें किस तरह से करनी है, शोध डिजाइन जो होता है, रिसर्च प्रारूप फॉर्मेट जो है, सबसे पहला ऑप्शन वो दिया, उसके बाद कॉपीराइट है, फिर पेटेंट नीति है, फिर डेटा शेयरिंग नीति है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है दोस्तों वो शोध प्रारूप है। अब देखिए जो शोध प्रारूप है ना वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी हो सकता है, अलग अलग जो कंट्री है उनका भी अलग अलग हो सकता है। तो जो रिसर्च प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकती है, शोध प्रारूप अलग अलग हो सकता है, ये शोध आचार संबंधी मानकों के अंदर नहीं आता, यानी कि रिसर्च एथिक्स के अंदर इसको हम इंक्लूड नहीं करते। और अगर आप चाहे तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे मिल जाएगा हमें, ये देखिए, इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्विंग गाइडलाइन फॉर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, हमें देखिए क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है कि एग्जामिनर ने पूछा हुआ क्या है, तभी हम अच्छे से आंसर दे पाएंगे। और भी काफ़ी क्वेश्चन आए, ये देखिए ये आ गया हमारा, ये कौन सा है, जनवरी 2017 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है, यानी कि जो रिसर्च इथिक्स है वो रिसर्च के कौन से स्टेप में, कौन से प्रोसेस में ज़्यादा सही मानी जाती है, वो हमें बताना है। अब देखिए इन्होंने दिया है कि सबसे पहले समस्या स्थापना और उसकी परिभाषा करने में, फिर शोध के समग्र निर्धारण में, और फिर पद्धति संकलन में, और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे दिया है निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। तो इसका जो आंसर है इन्होंने आंसर नंबर 3 दिया है, 3 है पद्धति संकलन तथा विवेचन के चरण में, यानी कि पद्धति संकलन का मतलब है सैम्पलिंग इकट्ठा करने में। अभी मैंने आपको बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि जब हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं तो वो सही तरीके से होना चाहिए, उसमें अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हमने अपने परिवार के 10 लोगों से जानकारी इकट्ठा कर ली, अपने दोस्तों से इकट्ठा कर ली, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो जो भी हमने डिसाइड किया, अगर रैंडम तरीके से सैम्पलिंग डिसाइड किए तो हमें पूरे गांव में जाना चाहिए, रैंडम तरीके से उसे सैंपल इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर व्यक्तिगत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो शोध नैतिकता है वो सैंपलिंग इकट्ठा करने में और उसके विवेचन में, विवेचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो इनमें ये देखिए आंसर नंबर 3 है एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिसर्च इथिक्स इशू इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए आगे नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। अब देखिए ये भी उसी से रिलेटेड है, उसमें पूछा हुआ था कि कौन से स्टेप के अंदर ये इंक्लूड होता है। अब इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। अब देखते हैं, नंबर 1 सांख्यिकी तकनीकों का अयार्थ अनुप्रयोग, शोध की रूपरेखा का दोषपूर्ण होना, निर्देशन तकनीकों का विकल्प, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन नंबर इन्होंने 4 दिया है, शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या होता है इसके अंदर। जैसे कि मान के चलिए हमने रिसर्च कंप्लीट कर ली, रिसर्च कंप्लीट करने के बाद में हमारा जो डेटा आया है, जो रिजल्ट निकल के आया है, वो हम मान के चलते कि हमारी हाइपोथेसिस के अनुसार नहीं आया। तो ज़्यादातर रिसर्चर, बहुत रिसर्चर क्या करते हैं कि वो जो रिजल्ट आया ना उसमें अपनी ओर से मॉडिफिकेशन करते ताकि वो हमारी हाइपोथेसिस से रिलेटेड हो जाए, ठीक है, जो हमने सोचा है उस तरह से हमारी रिसर्च हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है,
तो हमें दोबारा से सैंपल इकट्ठे करने चाहिए, हमें देखना चाहिए कहाँ पे गलती रहेगी है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत है। लेकिन अगर हम वैसा नहीं करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है, वो रिसर्च एथिक्स का इशू हो सकता है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे यही क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है इस टॉपिक में से। ये देखिए, ये है हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है, ये बताना हमें। अब ये देखिए वही बात आ गई है, ऑप्शन नंबर 4 इन्होंने दिया है, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टों से। अभी मैंने बात की ना कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, शोध रिपोर्टिंग यानी कि शोध हमने कर ली, उसके बाद में क्या रिपोर्टिंग निकल के आई है उससे आधारित जो साक्ष्य हैं, जो भी हमारे पास तथ्य, अगर हम उनसे छेड़छाड़ करते हैं तो वो क्या होता है, शोध नैतिकता की समस्या होती है। वो उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है और हमें किस तरह से आंसर देना है। और देखिए, इसी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, हमें हमारा जो माइंड है ना वो काम करना बंद कर जाता है, पता नहीं क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, और जो क्वेश्चन आते हैं वो तो बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, ऐसे आते हैं, हम काफ़ी तरह की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जामिनर हमने जो पढ़ा है उसी में से पूछता है, वो बात अलग है कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, उसके बाद जो ऑप्शन दिए उनको ध्यान से देखना ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें बता सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें से, शोध नैतिकता में से। इसमें देखिए, यही मैंने बताया था, ये दिसंबर 2012 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसके अंदर इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 33, शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी दो तत्व कौन कौन से है, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते दोबारा, शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन से, वो हमें बताने कि ऐसे कौन से दो पॉइंट है जिससे हमारी रिसर्च इथिक्स है वो इंक्लूड होती है, यानी कि हमारी जो रिसर्च है वो खराब हो जाती है। सीधी सी बात है, हमारी जो रिसर्च है वो दोषपूर्ण हो जाती है, वो हमें बताना है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 1, प्रतिभागियों को क्षति, यानी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट किया है जिन्होंने हमारी रिसर्च के अंदर, अगर हम उनको नुकसान पहुंचाते तो। नंबर 2 है बी पे, संसूचित सहमति का अभाव, यानी कि अगर हम किसी का सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं उसकी सहमति नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे यार बता दे जल्दी से, बता दे यार क्वेश्चन बता दे, उसके साथ अगर हम जबरदस्ती करें तो वो भी एक चीज़ गलत है। उसके बाद में प्रयोग पूरा होने के उपरांत प्रतिभागियों का स्वागत नहीं करना। अब देखिए, जो हमारा जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो गई है, जिन जिन ने हमारी रिसर्च में भाग लिया उनका स्वागत कर ना करना, क्या ये रिसर्च एथिक्स के अंदर आता है, ये नहीं आता दोस्तों। दूरह प्रश्न पूछना, अगर मान लो हम दोबारा प्रश्न पूछते हैं रिसर्च के दौरान किसी से, मान लो कि हम पूछते हैं कि आपके यहाँ पे कितनी भ्रूण हत्याएं हो रही है, तो अगर उसको क्वेश्चन समझ में ना आए दोबारा फिर हम उससे पूछे, तो ये भी शोध नैतिकता के अंदर नहीं आती। लेकिन जो दो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, शोध नैतिकता का उल्लंघन जो करती है, वो है ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें देख सकते हैं, ए और बी, प्रतिभागियों को क्षति पहुंचाना, यानी कि जिन्होंने भाग लिया उनको अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो वो शोध नैतिकता का उल्लंघन है, ठीक है। दूसरा है संसूचित सहमति का अभाव, यानी कि जो हम रिसर्च में भाग ले रहे हैं उनकी अगर सहमति ना है, सहमति नहीं है और फिर भी हम उनसे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी शोध नैतिकता का उल्लंघन है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर वही है कि अगर किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो रिसर्च
वर्कशॉप है, सेमिनार है, सिंपोजियम है, उनमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, ये टॉपिक भी हमने पीछे करवाया है दोस्तों, आप वो वीडियो देख सकते हैं, हमने हर एक टॉपिक करवाया हुआ है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ कि हमने 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ये क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं। जैसे कि आज तक रिसर्च के जो क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, टीचिंग के अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग क्वेश्चन कर रखे हैं 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक। अगर किसी भी दोस्त को ये PDF चाहिए, ये स्टडी नोट्स चाहिए, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स किस तरह से ज्वाइन करना है और उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, और हमारी ये कोशिश रहती है कि जो टॉपिक हम आपको करवाएं उसमें से आपको फिर बाद में दिखाएं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब इसमें देखते हैं, ये देखिए ये जून 2012 का ही क्वेश्चन पेपर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सम्मेलन किसके लिए होते हैं ये हमें बताना है। और वही बात आ रही दोबारा, फिर मैं कह रहा हूँ कि इन सभी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए सम्मेलन किसके लिए होता है ये हमें बताना है। बहुलक्ष्यांक समूह, समूह चर्चाएं, नवीन शोध प्रस्तुत करना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये तीनों ही हैं दोस्तों, ऊपर के सभी, बहुलक्ष्यांक समूह। देखिए इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए 52, कॉन्फ्रेंस आर मिंट फॉर मल्टीपल टारगेट ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन, सो केसिंग न्यू रिसर्च, ऑल ऑफ द अवो। तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों ऑल ऑफ द अवो, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन, ये देखिए जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें लिखा हुआ कि एक कार्यशाला, एक वर्कशॉप किसके लिए होती है। देखिए जहाँ भी वर्कशॉप का नाम आए तो वहाँ पे हमें एक चीज़ समझ जानी चाहिए, वर्क यानी कि कुछ हम काम कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। काम करने की जहाँ बात हो तो वहाँ वर्कशॉप होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिए इसके अंदर किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन करना, नहीं। किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक करना, ये भी नहीं। किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहाँ अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं, ये भी नहीं। उसके बाद में एक छोटे ग्रुप ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर डी यानी कि 4 जो है आंसर है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर हम काफ़ी तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर ये नहीं है कि वर्कशॉप के अंदर बैठ गए और बैठ के बातचीत कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वो नहीं होता। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि उसके अंदर काम करना कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जहां पे काम की बात आए वहां वर्कशॉप होगा, ये चीज आप ध्यान में रखना। और आगे हम इसमें से देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमें आंसर देना है, ठीक है। तो वही बात है कि हमें क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रहा हमारा क्वेश्चन 56, क्वेश्चन एक मिनट, ये देखिए जून 2014 का क्वेश्चन पेपर है, 56 नंबर क्वेश्चन है। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है, ये हमें बताना है। अब देखिए सबसे पहला आ गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण के अंदर देखिए कुछ चीज़ हमें सिखानी है, प्रशिक्षण यानी कि डेमो दे के बताना है, प्रशिक्षण के अंदर प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, वो होता है, ठीक है। और उसके बाद में सेमिनार, सेमिनार हो गया। उसके बाद सेमिनार के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेमिनार क्या होता है। देखिए सेमिनार क्या होता है, सेमिनार के अंदर ये एक छोटे लेवल पे किया जाता है जहाँ पे 50 के करीब जो स्टूडेंट है या फिर व्यक्ति है वो मिल के कुछ किसी विषय पर बातचीत करते हैं, ठीक है। तो उसे हम सेमिनार कहते हैं। और जो सेमिनार जो होता है दोस्तों वो फॉर्मल हो सकता है,
देखिए, फॉर्मल का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलते हैं क्लास के अंदर 30 बच्चे बैठे हैं या फिर 50 जने बैठे हैं, तो उनसे हम डायरेक्टली आंखों में आंखें मिला के बात कर सकते हैं। उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो सेमिनार के अंदर एक तो क्या है कि लिमिट होती है, कम स्टूडेंट होते हैं, और उसके अंदर क्या है कि जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल तरीके से होता है, औपचारिक तरीके से होता है। उसके बाद है दोस्तों कार्यशाला। कार्यशाला के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, जहाँ पे हम कोई प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं, तो वो कार्यशाला होते हैं। उसके बाद है दोस्तों सिंपोजियम, ठीक है। सिंपोजियम के अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल समस्या पे हमें समाधान करने के लिए हम उस पर डिस्कशन करते हैं, तो वो होता है सिंपोजियम होता है। और अब ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है दोस्तों, आंसर नंबर बी यानी कि सेमिनार होगा। जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने के लिए अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? सेमिनार कहा जाता है। और दोस्तों सेमिनार और एक कॉन्फ्रेंस है, इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ चुके हैं और इनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सेमिनार जो होता है वो मैंने जैसे कि बताया कि छोटे लेवल पे होता है और उसमें फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन होता है, लेकिन जो कॉन्फ्रेंस जो होती है, सम्मेलन जो होता है, सम्मेलन का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो कि कोई रैली चल रही है, रैली के अंदर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आप सीधा देख सकते हैं कि किसी के साथ हमारा फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन नहीं है। एक व्यक्ति मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहा है और उसके पीछे लाइन के अंदर सबसे लास्ट में जो व्यक्ति बैठा है वो क्या कर रहा है उसे दिखाई नहीं दे रहा, नहीं पता है उसे, ठीक है। तो जो कॉन्फ्रेंस जो होती है, सम्मेलन जो होता है, वो बड़े स्तर पर होता है और इनफॉर्मल होता है। ये जो दो डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ला 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 ला, अरे आजा भैया ये आ गया। ये देखिए, ये अगस्त 2016 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। तो इसके अंदर इन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध। ये चल, हाँ ये थोड़ी अलग चीज़ आ गई कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी रिसर्च होती है उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसका विवरण किसके अंदर दिया हुआ होता है। तो जो हमारा रिसर्च पेपर होता है, लघु शोध प्रबंध जो होता है, उसके अंदर उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो और इसको अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, थीसिस डिसर्टेशन के अंदर उसकी पूरी चीज़ हम बताते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए, ये आ गया हमारा नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें इन्होंने पूछा, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों को व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है। अब वही बात आ गई दोस्तों, अभी मैंने आपको बताई थी ना कि जो सम्मेलन जो होता है यानी कि कॉन्फ्रेंस, और जो सेमिनार है उनके अंदर हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। सम्मेलन में आपको मैंने बताया था कि सम्मेलन एक बहुत बड़े स्तर पे होता है जिसके अंदर हज़ारों लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। और इन्होंने यहाँ पर यही बात पूछी हुई है कि विचारों और मुद्दों को व्यापक रेंज में संभव बनाया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? सम्मेलन कहेंगे। व्यापक मतलब एक बहुत बड़े स्तर पे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसमें ये रहा, ये देखिए, ये हमारा है जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। और इसके अंदर ये देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक अक्षमता है, यानी कि क्रिएटिविटी और समीक्षा, क्या कहेंगे समीक्षा को इंग्लिश के अंदर? चलिए इसको हम देख लेते हैं इंग्लिश में, ये देख लेते हैं। ये रहा समीक्षात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग वो होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा इंग्लिश में भी, इसको यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो हमें बताना कि ऐसी कौन सी क्रियाकलाप है जिसके अंदर हम सृजनात्मक और समीक्षात्मक चिंतन करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है शोध सम्मेलन में भागीदारी।
ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमें बता सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये देखिए, ये हमारा 3 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। इसके अंदर इन्होंने पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एक अनिवार्यता है। शोध सार किसके अंदर जरूरी है वो हमें बताना है। इसमें देखिए, इसने आंसर नंबर 3 दिया है, 3ABC, शोध आलेख के अंदर, प्रस्तुत सेमिनार पत्र के अंदर और शोध पत्र के अंदर। इन तीन चीज़ों के अंदर जो है शोध सार का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।